हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ओनियन टमाटो का सैंडविच बना रही हूँ। रोड साइड मिलता है, इसके लिए मैंने ये सैंडविच मशीन जो गैस पर सेका जाता है वो यूज कर रही हूँ। इसके लिए मैंने टमाटर लिया है, स्लाइस में काट लिया है। ये प्याज जो है स्लाइस में काट लिया है। कॉर्न है, मकई, कोई भी स्प्राउट ले सकते हैं आप। सिरका वाली मिर्ची है, सिरका के अंदर जो मिर्ची रहता है तीखा नहीं लगता है, उतना टेस्टी लगता है। ब्रेड लिया है। मसाला में मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, ये काली मिर्ची पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है और केचप है। अब इसके लिए मैं ब्रेड में सब कुछ डालना चालू करूंगी। मैंने एक ब्रेड पर थोड़ा टमाटो केचप लगा लिए हैं, उसके बाद जो है सो टमाटर स्लाइस डालूंगी, प्याज डालूंगी, मकई के दाने डालती हूँ, फिर थोड़ा नमक एक चुटकी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाले पाउडर और काली मिर्च पाउडर। आप सब मसाले नमक को मिक्स भी करके रख सकते हैं या अलग अलग भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है ये सिरका वाली मैंने मिर्ची डाल दिया। दूसरा ब्रेड में भी मैंने केचप लगा के रखी हूँ, इसके ऊपर से ये डाल दूंगी। अब ये सैंडविच वाले में मैंने सैंडविच बनाने वाले मोल्ड में मैंने ये थोड़ा तेल लगा के ग्रीस कर देती हूँ, गरम करके रखी। मैंने बटर भी लगा सकते हैं आप, और इसमें ब्रेड डालूंगी। गैस को एकदम स्लो करके रखना है और ऊपर से थोड़ा तेल डाल देती हूँ। इसको एकदम स्लो करके रखिए, ज़्यादा रखेंगे तो अंदर का जो है सो टमाटर और ये प्याज जो है सो कच्चा रह जाएगा और ब्रेड जल जाएंगे, इसलिए गैस को एकदम स्लो करके रखना है। थोड़ा देर सेकने के बाद अब चेक कर लेती हूँ। सेका गया है, ब्राउन कलर के हो गए दोनों साइड, देखिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। कितना अच्छा सैंडविच बना है।